हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। पूछा गया है कि जो कर्डलिंग होता है मिल्क का वो किस वजह से होता है। ब्रेकडाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जब कर्डलिंग होता है, कर्डलिंग प्रोसेस में अगर हम देखें, जैसे कि मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या होगा, जो शुगर होगा, जैसे कि लैक्टोज है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसका जब ब्रेकडाउन करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, जैसे कि लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, पीएच जो है वो डिक्रीज होगा, और पीएच डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, दे विल बी कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का कोएगुलेशन हो रहा है, और ये कोएगुलेशन होने की वजह से क्या होगा, एक तरह से ये जो है कर्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम देखिए किसकी वजह से, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये करेक्ट आंसर है। ब्रेकडाउन ऑफ मिल्क प्रोटीन इसकी वजह से नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से भी, नन ऑफ द अबव नहीं बोलेंगे क्योंकि यह एक तो सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।